मेट्रो में तेरी आवाज तो नहीं होती वो? हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रही है? हाँ। क्योंकि ये मुझे करवा रही है शॉपिंग, क्योंकि मम्मी की ट्रेन वहाँ आएगी, पहुँच जाएंगे मौके पे, पहुंचे चलती ट्रेन में चढ़े मम्मी को। और भाई आज जो मेरे साथ हुआ है ना, लुकिंग नाइस। तो मम्मी की ट्रेन हो गई एक घंटा लेट, ऐसे भाग रहा हूँ मैं वहाँ पूरे स्टेशन पे। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो ये देख लो इतने सारे शॉपिंग करके आई है, क्या बात है, कूड़ा है ये तो कूड़ा नीचे फेंक रहा है तो साथ लेके जा रहे हैं। तो ये बाहर से पहले खाएंगे खाना, फिर देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या बात है, राइमिंग देखी आपने, पहले खाएंगे खाना फिर देखते हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वाओ मैं शायर बन गया। चलो फेंको इसको कूड़े में। सीपी में राजीव चौक में आपका स्वागत है। मेट्रो में तेरी आवाज तो नहीं होती वो? तेरी होती है पक्का? एक मार थप्पड़ घूम के गिरेगी वहाँ झंडे के पास, एक इंडिया के झंडे के पास। मुझे नहीं पता शक्तिमान हूँ मैं, मेरी एक उंगली से तो घूम के यूएस पोलो के अंदर जाएगा। मुझे ये वाली फ्लैग बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, मुझे पता नहीं क्यों। ये चेक करना, फोटो करो तेरी इसके साथ। ओ अच्छा, ये तो मैं अभी देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्या दिखा रहे हो मुझे नहीं सर, हम आए हैं सीपी में क्योंकि ये करवा रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रही है? क्योंकि ये मुझे करवा रही है शॉपिंग, और यहाँ पे चल रही है न्यूज, लाइव न्यूज चल रही है, न्यूज 18 वालों की। शॉपिंग मैं कराने के लिए रेडी हूँ, बट ये कपड़े कुछ लेता नहीं है तो फायदा नहीं है इसको शॉपिंग। देखो यहाँ पे न्यूज वाले आ रहे हैं, सबसे बड़ा दंगल न्यूज 18 इंडिया, वहाँ से चलो ना बुरा रास्ता। चलो चलो न्यूज सुनते हैं क्या है, मैं भी न्यूज में आऊंगा, टीवी में आएंगे हम। चलो भीड़ लगी हुई है, पूरे न्यूज वाले आ रखे हैं यहाँ पे, कैसी है मैं भी करूंगा। चलो 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 जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा टीवी में आऊंगा कल। तो पहले मैं जाना पसंद करूंगा पालिका में, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया मैं पालिका में नहीं आया। तो पहले यहाँ चलते हैं, नहीं पसंद आएंगे तो बाहर से लेंगे, ठीक है? ओके लेट्स गो। हां न्यूज़ वाले आ रहे थे, इतनी भीड़ क्यों रखी है, कैसे इतनी भीड़ हो रखी है? कुछ चल रहा होगा ना, न्यूज़ चल रही होगी वहाँ पे, वो लिखा है ना। भैया याद में थक के बैठ चुका है, देख लो इतनी देर से खड़ा था स्टैचू बन के, हार्ड वर्किंग। ठंडी है क्योंकि, और सोचो पूरा बॉडी में पेंट करता होगा, फिर रात को घर जाता होगा, फिर अगेन नेक्स्ट डे आता होगा। सबसे मेहनती आदमी है यहाँ पे सीपी के अंदर। रुकने दो इनको, तभी चलेंगे। तो शॉपिंग करने के बाद हम आ चुके हैं चाप खाने के लिए, हमने ऑर्डर करी है मलाई चाप, मलाई चाप, मलाई चाप। और फिलहाल हम गुड़गांव में पहुंच चुके हैं, और हमने वहाँ जाना है, वहाँ पे हमारा घर आ जाएगा। दिल्ली में हमने पहली बार हुआ कि कुछ भी नहीं खाया है ना, कुछ भी नहीं खाया हमने, पानी भी नहीं पिया वहाँ पे, देख लो। हाँ। पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार खा के गए थे ना हम लोग खाना, तभी हम पेट भर के गए थे यहाँ से कि वहाँ खाने की जरूरत ना ही पड़े। यहाँ पे आके फिर से भूख लगाई है। सो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो व्लॉग का अगला दिन शुरू हो चुका है, तो मैंने कल कुछ बनाया नहीं था, ज्यादा व्लॉग था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं, मैंने सोचा दो दिन के एक साथ डाल लूंगा। तो अभी मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ निजामुद्दीन दिल्ली, क्योंकि मम्मी की ट्रेन वहां आएगी, फिर वहां से पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली से फिर सिरसा की ट्रेन है, तो अभी बस वहीं निकल रहा हूँ। मैंने ही तो उठाया है तुम्हें सुबह। तो गाइस बहुत मुश्किल से ट्रेन पे चढ़ाया, मौके पे पहुंचे चलती ट्रेन में चढ़ाया मम्मी को। ओके वो जा रहे, देखना इसका मुंह, देखना ठंडी ज्यादा है ना, इसलिए अंटार्कटिका गई थी मैं। ओह नाइस, 4 दिन पहले। नाइस। तो गाइस घर आ गया था मैं टाइम से, और भाई आज जो मेरे साथ हुआ है ना, रात को आराम से तसल्ली से बैठ के आपको पूरी गाथा सुनाऊंगा मैं मेरी। चलो मुझे तो पता है, बट आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो रसराज खाया जा रहा है, मेरे को बोला इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। अच्छा मेरे को नहीं पता, यहाँ पे रसराज लिखा हुआ था इसका नाम, और गरम गरम गुलाब जामुन। मैंने तो अभी जस्ट रोटी, एक गिलास दूध और खाना खा लिया अपना टाइम से आज, क्योंकि सुबह से कुछ खाए तो शाम को ही बना के खा लिया था। आज मीठा खाने का बहुत टाइम होगा, मीठा नहीं खाया। गर्मा गर्म छोले और समोसे आ गए हैं, मैं तो नहीं खा सकती जब मेरा पेट ओवरलोडेड होता है। क्या हाँ अब क्या समोसा भी छोड़ दोगे क्या, इसके अंदर मटर है तो? निकाल तो रहा हूँ मैं, तो अपना फुल पैक लो के आई हूँ, टोपी पहन ली है, जैकेट पहन लिया, स्वेटर पहना है, स्वेटर के अंदर एक और स्वेटर, ठंड लग रही है मुझे। छुप के बैठा क्या इसके अंदर, छुप के बैठा था, देखो ए आ जा आ जा, ए आ गया
चटनी लगाओ इसमें लाल वाली, मुझे यार ये चटनी मस्त लगती है, जो भी बोलो अच्छी सी नहा ले इस चटनी से नहा ले। तो हम आ चुके हैं ग्रोसरी स्टोर कुछ लेने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे सेकंड थर्ड फ्लोर में, वार्मर्स भी लेने हमें। ये नहीं, ये तो बासी है मारने के लिए। अच्छा नहीं, जो लेना है फटाफट ले लो। ढूंढ रहा हूँ अभी मैं। क्या ढूंढोगे अब, यहाँ पे ढूंढना है तुम्हें। कॉपी कैट, कॉपी करते हो तुम भैया को, तेरा भैया हो रहा है तो हम आए हैं ऊपर नितिन के लिए कुछ अपर्स देखने के लिए, और काफी दिन हो गए थे क्योंकि तो मैंने इसको बहुत ज्यादा फोर्स किया, मार्केट भी गए थे, मार्केट में मेरी इससे लड़ाई हुई थी, मैंने इसको बहुत रिक्वेस्ट किया, आई लाइक इट, अच्छा है समथिंग डिफरेंट, तो मैंने बहुत ज्यादा फोर्स किया है अभी से, तो उसमें से फोर्सफुली करके इसने ये दो पसंद किए। मैंने कहा ये भी ले लेते हैं हम, ये कैमरे में तो थोड़ा डिफरेंट। हाँ अब आया, ये एक ब्लू मेरी चॉइस है, बाकी दो इसने पसंद किए हैं, और एक दो और मैं लेने के लिए बोल रही हूँ ताकि एटलीस्ट इसके पास चेंज करने के लिए हो जाए, जब तक इसका फ्रेंड नहीं आ रहा है तो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे चेंज करने के लिए, है ना। अच्छा लग, अच्छे लग रहे हो, लुकिंग नाइस, थैंक यू सो मच। चीनोस देख लो इधर हैं, रेट्स भी काफी अच्छे रीजनेबल हैं, आप मतलब 5-6-10 जोड़ी ले सकते हो और चेंज कर करके आप पहन सकते हो। नितिन की शॉपिंग हो रही है आज। तो हम कुर्तों के सेक्शंस में आए हैं, रीजनेबल प्राइस चल रहा है अभी रेट्स, तो मेरे को ऐसा लगा कि हमें ले लेना चाहिए, शायद समर्स में रेट्स रेडियो होंगे, चेंज हो सकते हैं, तो अभी वो शॉर्ट कुर्ते लॉन्ग कुर्ते दोनों देख रहा है, जो उसको समझ आएगा बोलेगा। अच्छा लग रहा है, नाइस, यू नो यू शुड हैव मोर कलेक्शंस, तो ले लो शॉर्ट लॉन्ग ऐसा कुछ। महा आलसी इंसान है, महा आलसी, मैंने कहा ट्राई रूम में जाके ट्राई कर लो, तो नहीं यहीं पे फटाफट करनी है ट्राई। किसका, इसका, ये कहाँ पे पड़ा है, देखो यहाँ सारे कपड़ों के कलेक्शन रख दिए, यहाँ सर पहन रहे हैं और उसके बाद मुझे बार बार वापस भेज रहे कि अब एल लेके आ, अब एम लेके आ, अब एक्सएल लेके आ। इसकी शॉपिंग हो गई है डन, फिर अब हम आ गए हैं स्टॉल्स के, उसमें मफलर्स स्टॉल्स कलेक्शंस काफी सारे हैं, बट हम लोग कंफ्यूज्ड है, हमें पिंक भी अच्छा लग रहा है, दिखाती हूँ मैं। तो अब बताओ कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला पिंक वाला या फिर जो नीचे पहना है वो, दिस वन, कौन सा पसंद आ रहा है। सॉक्स की कलेक्शन बहुत ही क्यूट है यहाँ पे, तो हम दोनों को सॉक्स पसंद आ रही है, और मैंने तुमको बोल रही हूँ तुम अपने लिए एक पैर सॉक्स ले लो, पहले हम एक ट्राई करेंगे और अगर अच्छे हुए तो हम नेक्स्ट टाइम दूसरा लेंगे, कलर तुम अपनी चॉइस से चूज कर लो, जो तुम्हें पहनना है वो, अगर तुम्हारा रिव्यू अच्छा होगा तो मैं अगली बार अपने लिए ऐसे और सॉक्स लूंगी। बहुत ही प्यारे हैं, मतलब दीज आर वेरी सॉफ्ट, टेक्सचर इनका बहुत सॉफ्ट है। तो हमारा यहाँ पे बिलिंग चल रहा है और टिल द टाइम एक बेबी आई, उसको अपना किंडर जॉय का बिल करवाना था, इतने प्यार से वेट कर रही है वो काफी देर से। क्या है, चलो बाय। तो टिल द टाइम खाना बन रहा है, मैंने पपीता काट लिया है, वही रात को पपीता नहीं खाता, मुझे तो पसंद है, मैं सुबह दिन में रात को शाम को कभी भी पपीता खा लेती हूँ। आज डिनर में बनने वाला है पालक पनीर, पनीर हम भूल गए तो हमने ऐसे ही पालक बना दिया है, पालक के साथ खाएंगे हम रोटी, फिर आप लोगों को डिनर पे मिलते हैं। तो गाइस सब काम डन हो चुके हैं, खाना हो गया, एडिटिंग मेरी हो चुकी है लगभग, ये लास्ट टेक है जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो बस मैं तभी आया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सुबह सुबह मेरे साथ क्या क्या हुआ हमारे साथ, और तभी मम्मी को तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया अच्छे से व्लॉग तो ले ही नहीं पाया। क्या हुआ, मम्मी की ट्रेन पहुंचनी थी यहाँ पे निजामुद्दीन में 12:30 बजे, और सिरसा की ट्रेन थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो वो थी 2 बजे, मतलब 1.5 घंटे का गैप था हमारे पास। रास्ता कुछ यही था, 45 मिनट का रास्ता था, मेट्रो से भी जाएं तो 40 से 50 मिनट लगने थे, लेकिन क्या हुआ, मम्मी की ट्रेन थी लेट, कभी धीरे चल रही है कभी फिर रोक रहे हैं दिल्ली के अंदर ही, तो मम्मी की ट्रेन हो गई 1 घंटा लेट, मतलब ट्रेन आई 12:30 की जगह 1:30 बजे, 1:30 बजे और 2 बजे के बीच में टाइम रहेगा 30 मिनट का, जिसमें पहुंचना था इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल था पहुंचना। तो हमने क्या किया, जैसी ट्रेन आई और ऊपर से मुझे पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे, मैंने दूर से देखी ट्रेन आ रही है, मैंने मम्मी को फोन किया आपकी ट्रेन आ रही है अभी आसपास दिख रहा आपको स्टेशन, बोले हाँ, तो फिर मैं वहां पे भागा, ऑटो बोगी थी पीछे पीछे बिल्कुल ही,
तो मैं पीछे पीछे फुल तेज भागा, ऐसे ऐसे भाग रहा हूँ मैं वहाँ पूरे स्टेशन पे, और सारे देख रहे हैं कूद कूद के क्यों जा रहे हैं, ऐसे फुल तेज भाग रहा हूँ मैं। जैसे पहुंचा कुछ नहीं, हेलो आए नमस्ते मम्मी, कुछ नहीं नमस्ते मम्मी, ये वो, मम्मी भी फुल भागो भागो सामान लिया। और ट्रॉली अच्छी थी, ट्रॉली तो ऐसे ऐसे लेके गया मैं, मजा आ गया ट्रॉली में तो। मुझे ऐसे लग रहा था टीवी में ऐड नहीं दिखाते वो ट्रॉली लेके भाग रहे होते हैं, वो सच में ट्रॉली कामयाब होती है। तो बहुत तेज भाग भाग के सारा सामान उठा के, तभी मैंने व्लॉग तो बना ही नहीं पाया क्योंकि सारा सामान भी उठाया। सीढ़ियाँ चढ़े, उतरे टैक्सी वाले, अब उनको पता लग गया है इमरजेंसी में, टैक्सी वाले 800 रुपये, 1000 रुपये, 1000-1000 रुपये टैक्सी वाले मांग रहे थे, ऐसा सीन हुआ वहाँ पे। एक फिर अड़ा में मुझसे 400 रुपये में, लेट हो रहे हैं, लगते तो 150-200 रुपये ही है। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा अगर तू पहुंचा देगा तो 400 रुपये दूंगा, नहीं पहुंचाएगा तो 200 रुपये दूंगा। फिर वो मानना नहीं, अब हमारे पास तो ऑप्शन नहीं, अब कैसे करें। हमने बोला चलो रिस्क ले लेते, कहते वो भी ऑटो वाला भी बोला कि रिस्क लेना पड़ेगा। हमने डिसाइड किया कि हम पुरानी दिल्ली की जगह दो स्टेशन छोड़ के वो ट्रेन जहाँ पहुंचेगी तो हम पहले वहां जाते हैं डायरेक्ट, दिल्ली से तो निकल जाती। तो हम गए किशनगंज, जो दो स्टेशन छोड़ के किशनगंज जाता है। तो हमने क्या, वो वहां पे मतलब 12 मिनट का हमें वो मिल गया एक स्पेस, वहां पे दिल्ली से चलेगी 2 बजे और वहां पहुंचनी थी 2:12 पे, तो हमें मिल गए 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो टेम्पो वाले ने भगाया, जैसे स्टेशन पे पहुंचे हम, ट्रेन रुकी थी, ब्रेक लगी थी ट्रेन की, और वहां पे ट्रेन रुकती है सिर्फ 1-2 मिनट। हम थे अब फ्लाईओवर पे, नीचे ट्रेन, हम भाग रहे सामान हाथ में लिए तेज, मम्मी भी फुल तेज भाग रहे, इतना भागे सांस चढ़ गए। और इसमें भी क्या ट्रेन में, क्योंकि सारे तो नॉर्मल वाली सीट होती है, तो हमारी थी एसी वाली, वो थी पीछे, इसमें कई बार आगे होती है, इसमें थी पीछे। अब वहां तक पहुंचना भी टास्क। अब जैसे हम फ्लाईओवर उतरे, वो वाला ब्रिज उतरे जो रेलवे का ब्रिज होता है, तो ट्रेन चल पड़ी। तो अब हम आगे चढ़ जाएं तो फिर रास्ते में उतरना मुश्किल है, वो सामान वामान कैसे करते। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप भागो बस, अब ट्रेन तो धीरे धीरे चलेगी ना, मैं कहा भागो। भागते भागते जैसे दस चलती ट्रेन पे मैंने सामान फेंका, अंदर सामान फेंक दिया मैंने, एक अंकल खड़े थे वो, तो सामान मैंने अंदर गिरा, मम्मी को ऐसे पकड़ा, मम्मी को भी ऐसे चढ़ाया, और लास्ट टेक जो मैंने आपको दिखाया कि ट्रेन जा रही है वो टेक था। तो टेक तो मैं रिकॉर्ड तो कर ही नहीं पाया ना, बस ऐसे था बस ट्रेन ना निकल जाए ऐसे, मतलब एक एक सेकंड इतना कीमती हो रखा था ना हमारे लिए, इतना ज्यादा कीमती हो रखा था एक एक सेकंड, कहीं अगर एक मिनट भी हमारा लेट हो जाता ना, वेस्ट हो जाता तो ट्रेन निकल चुकी थी। और एक मिनट की अहमियत आज पता लगी है, तो अपना समय जाया मत कीजिए, एक मिनट की कीमत बहुत होती है। तो बस ये थी आज की मेरी गाथा, फिर मैं घर आया, फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की, अभी खाना वाना खा लिया, सब नक्की हो चुका है। तो बस ये था सीन, साल का आखिरी दिन, तो 2013 में 2023 गलती से निकल गया क्या? नहीं, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से बहुत 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 बहुत, जो काम आप पिछले साल में नहीं कर पाए वो काम आप इस साल जरूर कर पाएंगे। तो आप सबके जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है आप सब हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हम उसको रीड करना पसंद करेंगे, हम देखेंगे कि आप लोग नए साल में क्या क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो, और क्या पता हम भी उस मोटिवेशन में कुछ नया अच्छा स्ट्रांग, मैं तो यही कहता हूँ डिसीजन ले लें। 2023 में जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो 2024 में जरूर कामयाब होंगे उस चीज में, उनमें से हम लोग भी आते हैं। तो 2024 आपका भी हो हमारा भी हो, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सुरक्षित रखे, तंदुरुस्ती दे। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा एंड लव यू ऑल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ढेर सारा प्यार आप हम लोगों को देना, और बाय बाय।